माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो असाइनमेंट है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मेन कंपोनेंट ब्लड है। ब्लड जिसे हम सीट ऑफ साउल कहते हैं, और ब्लड एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के टिश्यूज़ को। और इस ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ब्लड वेसल हमारे होम्योस्टेटिक कंडीशन, मतलब हमारा जो बॉडी का इंटरनल कंपोजिशन वो कांस्टेंट रखता है, साथ ही साथ वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखता है। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन इज प्लाज्मा, जो कि 55% पोर्शन होता है ब्लड का, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स होते हैं वो 45% होते हैं। प्लाज्मा जिसका pH 7 होता है और वो 55% ऑफ द ब्लड होता है, उसमें प्रोटीन, उसमें साल्ट, उसमें ग्लूकोज, उसमें स्टेरॉल्स, ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसे तमाम केमिकल्स होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट को फार्म करते हैं और उसका pH 7 पर मेंटेन रहता है। जो फार्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड कार्पसेल्स इनको कहते हैं। कार्पसेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं होता, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स वगैरह चीज़ें नहीं होती इसमें। सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और ये डिस्क लाइक होता है जिसके सरफेस पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नॉर्मल जो आरबीसी कंपोनेंट होता है, जो कंटेंट होता है ब्लड में, वो 4.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है एक नॉर्मल पर्सन में। अगर ये घटता है तो एनीमिया है, और अगर इंक्रीज करता है तो पॉलीसिथेमिया है। दूसरा कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 5000 टू 9000 पर एमएम क्यूब होता है। अगर ये डिक्रीज होता है तो ल्यूकोपेनिया डिसऑर्डर काज करता है, इंक्रीज होता है तो ल्यूकोसाइटोसिस काज करता है। एबनॉर्मल कंडीशन में इंक्रीज करता है जब डब्ल्यूबीसी का कंटेंट आरबीसी को रिप्लेस करने लगता है, यानी WBC 9000 के जगह पर 4.5 मिलियन पहुंच जाता है और RBC की क्वांटिटी बहुत डिक्लाइन कर जाती है, तो वो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर होता है, ऐसी कंडीशन मानते हैं। WBC के दो फार्म हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, जिनके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के साथ ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के साथ न्यूक्लियस होता है लेकिन ग्रेन्यूल्स नहीं होते, उन्हें एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट में एसिडोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है। एसिडोफिल जो कि 45% होता है, न्यूट्रोफिल यानी जो 30% होता है, और जो रिमेनिंग कंटेंट होता है न्यूट्रोफिल होता है। एसिडोफिल क्यों? क्योंकि ईयूसीन स्टेन को कैरी करता है, एसिडिक स्टेन को। बेसोफिल क्यों? क्योंकि बेसिक स्टेन को कैरी करता है, फ्यूसिन को, और ये किसी भी एसिड बेस स्टेन को कैरी नहीं करता, इसलिए न्यूट्रोफिल है। एग्रेनुलोसाइट में प्लाज्मोसाइट्स, मोनोसाइट्स होते हैं। और अगला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड का होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो कि 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्टअप।